इंतजार सभी को था कि वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे। क्या उन्होंने किसी की बेटी की इज्जत लूटी है, या वो लड़कियां कराची से लाहौर लेकर आते हैं और उसे गलतकारी करवाते हैं। सर, बहुत सख्त सवाल करने जा रहा हूं, अगर आपकी बेटी होती दुआ जहरा की जगह तो आप किस तरह का रिएक्ट करते? मेरे साथ शबीर अहमद साहब मौजूद हैं। आपसे मुलाकात करवाने से पहले मैं उनका पूरा चेकअप करूंगा। सर, मोबाइल पे किसी के साथ बात तो नहीं कर रहे आप? मोबाइल बंद है आपका? ये कान भी ज़रा चेक करवा दें, कानों में कुछ लगा तो नहीं हुआ? देख लें जी, कानों में कुछ लगा नहीं हुआ और मोबाइल भी इनका ऑफ है। मेरा मोबाइल भी इस टाइम ऑफ है और कोई रिकॉर्डिंग पे नहीं है। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम दिए आपको कि आपका ताल्लुक एक गैंग के साथ है, उस गैंग का नाम तो बता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने कहा है कि ये गैंग हैं और इनका ताल्लुक अपना यूएई से है और ये वहाँ पे बच्चियाँ सप्लाई करते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होता तो जिस दिन दुआ और ज़हीर पकड़े गए थे या उनको बाजियाब करा लिया गया था, तो उस दिन हमारी सारी फैमिली को पकड़ लिया जाता और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती पुलिस की तरफ से कि जी हमने ये गैंग पकड़ लिया। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, इसमें आईजी जो पहले थे सिंध के, उन्होंने भी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पुलिस को पैसे दिए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो वहाँ पर आपने देखा होगा वकील भी नहीं था, हमने अल्लाह की रज़ा के ऊपर उनको भेज दिया था बच्चों को और चले गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे हमारा वकील भी नहीं था, सरकारी वकील था वहाँ का, जो एवीसीसी थाने का जो एसएचओ था उसने जहीर से दरियाफ्त किया था कि आपका वकील कोई पीछे से वालदैन या कोई आया है, तो उसने कहा कि मेरा कोई भी नहीं आया। तो उसने फिर कहा कि आपने परेशान नहीं होना, जो जिन लोगों का वकील नहीं होता वहाँ उनको सरकारी वकील दिया जाता है। शबीर साहब, आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपकी फैमिली पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप दुआ जहरा पे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उनकी नाज़ेबा वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी बहन बेटी है और हमारी इज्जत है। जितनी वो मेहदी अली काजिम साहब की बेटी है उतनी ही हमारी भी है और हमारी हमदर्दी हमेशा उनके साथ रही है और रहेगी इंशाल्लाह। तो ये जो इस तरह के बयान आते हैं, ये लोग वो अपना नॉलेज शो करते हैं अपने, उनके साथ जो उनके पास जो इलम होता है, जो शऊर होता है, उसको शो करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी बहन बेटी है, हमारी इज्जत है, हम ऐसा क्यों करेंगे। और वो हमेशा खुश रहेगी, हमारी फैमिली के साथ खुश है और उसको हम हर तरह की सहूलियात जो उसको चाहिए, जो उसको उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो हम दे रहे हैं उसको। अच्छा, बहुत से यूट्यूबर्स, तकरीबन 150 से ज़ायद यूट्यूबर्स हैं जो इसी केस को कवर कर रहे थे, उन यूट्यूबर्स की आपको बातें दुखी, आपको दर्द दिया उन यूट्यूबर्स की बातों ने? बहुत तकलीफ़ भी होती थी उनको देख के, और जो लोग हमारे ख़िलाफ़ करते थे बातें, और वो ऐसी बातें करते थे जिनका कोई सर पाँव नहीं होता, वो ऐसी बातें करते थे उनका कोई सोर्स ही नहीं होता था वो अपने पास है। जब उनसे कोई दूसरा यूट्यूबर पूछता था तो वो कहते थे दाएं बाएं शाएं बंद उनका बताते थे कि इन्होंने हमें बता दिया था, वो तो हमें मेहदी अली काजमी के घर से किसी ने बता दिया था। उनका कोई सोर्स नहीं है, उन्होंने कई कि अपना नैरेटिव जो दिया है वो किसी से उन्होंने पूछ के नहीं, कोई उसने दोनों साइड पे होता है ना कि नैरेटिव, दोनों साइड का जो अच्छा यूट्यूबर है, जो अच्छा सहाफ़ी है, वो दोनों साइड का नैरेटिव लेता है और उसको फिर क्रॉस चेक करता है, एग्जामिन करता है, उसके बाद वो जो है ना उसको मीडिया पे लेके आता है, उस चीज़ को अपना कन्फर्म करता है। क्योंकि देखें जो सहाफ़त है ये एक एथिक्स भी होते हैं, इसमें ये वो लोग ही कर सकते हैं जो एक पॉजिटिव सेंस रखते हैं। देखें सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो हमारे हक में थे चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ थे, उन्होंने एक साइड पे हो जाना। हमारा नैरेटिव शुरू से पॉजिटिव है, वो इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने तो साइड पे हो जाना है, एंड पे किसने रह जाना है? दुआ ने, हम लोगों ने और मेहदी अली काजमी साहब ने। और हम नहीं चाहते थे कि दोनों फैमिलीज़ जो है ना वो जब आमने सामने आएँ लास्ट में तो वो किसी को नदामत हो। सर, बहुत सख्त सवाल करने जा रहा हूँ, अगर आपकी बेटी होती दुआ जहरा की जगह तो आप किस तरह का रिएक्ट करते? सबसे पहले तो ये बात है कि अगर हमारी बेटी होती, ठीक है, तो हम उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते, चाहे हमारी मर्ज़ी नहीं भी थी तो हम उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उस फैमिली को बुलाते, ठीक है, उसके बाद हम उसको डिसएग्री कर देते, उसको छोड़ देते, कहते कि हमारे ये मसलक से नहीं है, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते,
ठीक है। तो ये बातें जो है ना हम कंफर्म करते और अपनी बच्ची का ख्याल करते और उस फैमिली को भी देखते कि क्या ये हमारी बच्ची के लिए काबिल है या नहीं है, या इसमें कोई ऊंच नीच वाला। देखें, उन्होंने खुद कहा, मेहदी अली काज़मी साहब ने खुद कहा नाज़रीन के जो हम अगर बच्ची का रिश्ता करते तो हम ये देखते कि वो दो वक्त की रोटी खिला सकता है वो बच्चा। कभी हम ये नहीं खिला सकता है जी। ज़हीर जो है वो ऐसा बच्चा है जिसने अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मैट्रिक की फ़ीसें खुद अदा की हैं। आप मानेंगे इस बात को? बात बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे वाले साहब नहीं हैं और हम लोगों ने ये किया कि जब हमारे वाले साहब की डेथ हुई तो मैं उस टाइम तकरीबन 17 मेरी एज थी, तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से 17A के तहत जॉब मिली, ठीक है। तो मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, ठीक है, मेरी वालदा ने सपोर्ट किया, हम दोनों माँ बेटे ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। और ज़हीर वगैरह तो ये हमारे बच्चों जैसे हैं, ये इस तरह के कैसे हो सकता है? जो लोग कह रहे हैं कि ये गैंग हैं, ये खुदा ना खास अल्लाह माफ़ करे, ये इनका डार्क वेब है या इनका बाहर किसी मुल्क से रहा है, हमारा नादरा में रिकॉर्ड तो चेक करवाएं वो लोग, उनके अगर इतने सोर्स हैं तो वो रिकॉर्ड तो चेक करवाएं कि बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक जॉब ऑफर आया था मेरे कज़न की तरफ से इससे पहले, जी 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 बहुत पहले, ये कोरोना से भी पहले, ठीक है, मुझे वहाँ से आया था यूएई से, और वो लोग जो थे वो यहीं के थे, यूनिवर्सिटी के पास में ही इकबाल टाउन है, यहाँ के लोग थे जो वहाँ पे कारोबार करते थे, और मुझे वहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आया था। तो मेरे कज़न ने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको ये बता दूँ कि छुट्टी मिल जाती है, ठीक है, 2 साल की 3 साल की। तो मुझे ये था कि मैं यहाँ से छुट्टी लेके वहाँ पे जॉब करके कुछ अपना सेटअप बनाऊँ, कुछ बेहतर करूँ अपने आप को, कुछ अपना अपना फैमिली को सपोर्ट करूँ। तो इस वजह से मैंने उसको एक्सेप्ट किया था और मैंने इंग्लिश कार्ड बनवाया था, और ज़िंदगी में पहली बार बनवाया था, यकीन करें। वो कार्ड जब मैं बनवाने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं यूएई जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता था, ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा बनवाया था और मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से लिख देंगे ऊपर कंट्री ऑफ स्टे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि उन्होंने लिख दिया। और उसके बाद कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना में ये हुआ कि जब मैंने कज़न से रابطہ किया तो उसने कहा भाई वो तो हम लोगों को भी निकाल रहे हैं, सैलरियाँ नहीं हमें मिल रही, काम ठप है, तो आपको अब वो नहीं बुला सकते, हाँ अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो आपको मैं ज़रूर बुलाऊँगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तब मिठाई बांटी गई थी आपके घर? ये कोई इतना खुशी का मौका नहीं था। देखें, ये एक फैमिली है, वो भी फैमिली हैं, हम लोग भी फैमिली हैं, सिंपल लव मैरिज का केस है, और अदालतें बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। और पैसे तो नहीं लगाए हुए? अल्लाह माफ़ करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने किसी को एक रुपया भी नहीं दिया, और ना ही हमारा, आप फ़ोन ट्रेस कर सकते हैं, किसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी से हमने कोई बात नहीं की है, और किसी को एक रुपया भी नहीं दिया, और ये सारा मामला हमने अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ा हुआ था, जो कि हमारी हेल्प हुई है। और अदालतें जो हैं वो आईन और कानून के तहत फ़ैसले करती हैं, ना कि जज्बात के ऊपर फ़ैसले करती हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके आईडी कार्ड्स, आपके सिम्स सब कुछ ब्लॉक है? जी, हमारे आईडी कार्ड ब्लॉक है, मैंने कल चेक भी किया था, एक डुप्लीकेट सिम लेने गया था तो वहाँ पे आ रहा था कि ब्लैक लिस्ट है, ठीक है, और हमारी जो सिम्स हैं मेरी वो तो ऑलरेडी ब्लॉक हैं, और जो हमारे अकाउंट्स हैं जो 1.5 माह से, आप ये समझें, ये सोचें कि एक बंदा जो सैलरी पर्सन है, जिसकी सैलरी आती है और वो उसको अपना खर्च करता है महीने में, वो भी महीना पूरा खर्च नहीं होती, 15 से 20 दिन रहती है और उसके बाद आखिरी दिन बहुत मुश्किल के होते हैं। तो सारे मामले के दौरान कौन सा ऐसा वक्त था जब आपने और आपकी फैमिली ने हिम्मत हार दी थी और सोचा कि बस करें यार, बहुत हो गया, आवाम ने हमारा साथ नहीं दिया, यूट्यूबर्स एक साइड पर पार्टी बने हुए थे और ये सारे मामले, कौन सा ऐसा वक्त? लास्ट टाइम जब केपीके में थे तो मैं ये कह रहा था अपने वकील साहब से भी कि आप हमारा पैचअप करवा दें, ठीक है, तो उसके लिए कुछ बात करें अगर वो लोग मानते हैं तो, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ जुल्म किया, इन्होंने हमारे अकाउंट बंद करवाए, सिमें बंद करवाई, हमारे फ़ोन ट्रेस पे लगा दिए, वकील साहब जो हमारे थे उनके ऑफिस के सामने एक बंदा बैठा दिया ताकि इनको पकड़ा जा सके, और ना ही हम ट्रैवल कर सकते थे, ना ही हम किसी से बात कर सकते थे, सिर्फ ये था कि हम किसी जगह छुप के बैठ सकते थे, ठीक है, और वो भी हमें ट्रेस किया जा रहा था, और इतनी पुलिस, 3 सूबों की पुलिस हमारे पीछे लगी हुई थी, तो इस वजह से जो है ना इन्होंने हमारे हाथ जकड़ दिए हुए थे। उस टाइम मैंने कुछ अपने आप को
इस फील किया था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग तो ये फील कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्ची जो दुआ ज़ाहरा है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत दिया, वो हमें दिलासे देती थी, यकीन माने वो हमें दिलासे देती थी। आप ये बात जो है ना ज़हीर से भी कंफर्म कर सकते हैं, वो हमें दिलासे देती थी कि भाई कुछ नहीं होगा, सारा कोर्ट में जाएंगे हम लोग, मैं और ज़हीर कोर्ट में जाएंगे, मेरी वजह से, मेरे वालदैन की वजह से आपकी फैमिली के ऊपर इतने वो क्राइसिस हैं। तो दिलासे देने की वजह ये तो नहीं थी कि उसको पीछे से अब स्पॉट नहीं थी, उसको नज़र नहीं आ रहा था कि बैग पर कोई है मेरे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बच्ची हिम्मत वाली है और उसको जो है ना हम सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह वो अपना घर छोड़ के आई हुई थी और उसको हम रास्ते में तो नहीं छोड़ सकते थे, ये तो हमारी तरफ से कंफर्म है। तो जब हम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह आई जहाँ पे आप कंफ्यूज़ हो गए, तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज़ हो गया था। तो लिहाजा जब बच्चे वहाँ पे पेश हुए, सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, मोजस जजेस ने जो है ना आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया, तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आईन और कानून के से हट के कुछ भी नहीं हो सकता, सारी अदालतें आईन और कानून को फॉलो कर रही हैं, कोई किसी के हक़ में फ़ैसला नहीं दे सकता। आप पे भी इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं कि आपने दो शादियाँ की हुई हैं, ऐसे हैं? अल्लाह माफ़ करे, जो दो शादियां हैं, मेरी एक ही शादी है और दो शादियां नहीं हैं। और वो जो वो बीबी हैं जो ये बात कर रही हैं, उन्होंने मेरी वालदा को लाहौर हाई कोर्ट में भी उनका दुपट्टा खींचने की कोशिश की, आपने वीडियो में देखा होगा, सारे मीडिया चैनल, स्ट्रीम मीडिया, वो सारे वो बना रहे थे वीडियो। तो ये एथिक्स में नहीं आता, ये किसी के ज़ात के ऊपर बात करनी ये एथिक्स में नहीं आता, आप सहाफ़ी हैं, ये कौन सा जर्नलिज़म है जो उन्होंने सीखा हुआ है? तो हम लोगों ने इस चीज़ की भी लिस्ट बनाई हुई है कि ये जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऐसे बातें की हैं, कोई हमारे रिश्तेदार निकाले हैं या वो कह रहे हैं कि ये बाहर जा रहे हैं, और जैसे फ़याज़ रामे साहब कह रहे हैं कि ये बाहर जा रहे हैं और इनका वीज़ा लग चुका है, आप मुझे ये बताएँ कि जिसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो वो वीज़ा लगवा सकता है? वो कभी भी वीज़ा नहीं लगवा सकता। और मुझे तो उनकी डिग्री पे शक होता है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में हैं, तो मैं शायद चेक करवाऊंगा कि इनकी डिग्री असल है या नकल है। और जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो अब लाहौर हाई कोर्ट आने के लिए तैयार हो जाए, हमने लिस्ट बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह हम हद के इज्जत का दावा करेंगे और जो है ना हम उनसे प्रूफ करवाएंगे, जो उन्होंने हमें कहा कि गैंग है, जिन्होंने कहा कि इनकी डार्क वेब है, जिन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इनके एमपी एमएनएस तक और वज़ीरों तक लिंक्स हैं, और जिन्होंने ये कहा कि ये अपना वहाँ पे खुदा न खासा, अल्लाह माफ़ करे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो मामला करते हैं जो शबीर साहब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरी वालदा भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरे मामू भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम सब लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। और मेरे दादाजी जो गांव में हैं वो एक ज़िम्मेदार के मुंशी हैं, वो 20-25 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, आपने, आपके इस केस ने तकरीबन 150 से ज़ायद यूट्यूबर्स को लखपति बना दिया है, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो झूठी खबरें चलाते थे और लाखों व्यूज़ लेते थे और फिर खुशी मनाते थे कि वाह कमाल हो गया, हमारी वीडियो तो मिलियन पर जाने वाली है? बेसिकली उनका जो था यही था कि हम पैसा कमाएं, उनको ये नहीं होता कि एक बंदा जिसके ऊपर हम झूठी जिसकी खबर दे रहे हैं उसके ऊपर इसके क्या असरात होंगे, वो कितना ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, इस चीज़ का वो लोग नहीं सोचते, उनका कहीं दूर दूर लेना देना नहीं होता इस चीज़। नींदें उड़ी हुई थी इस वजह से? ज़ाहिर बात है, दिन रात मुझे तो यही केस के बारे में सोचना होता था और इसी के बारे में मशवरे करने होते थे, और इसी के बारे में जो है ना मैं सोचता रहता था, बच्चों से मशवरा किया करता था, जो हमारी उम्र के लिहाज से हमारी अकल में समझ में आता था हम सिर्फ वही कर रहे थे, और कोई हमारा कोई बड़ा लिंक नहीं था, कोई हमने किसी को पैसे नहीं दिए, हमने तो वकील भी नहीं करके दिया बच्चों को, और वो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरुख किया क्योंकि हम हक और सच के ऊपर थे। बिल्कुल जी, मैं वाजिया कर दूँ कि मेरे पीछे जो साया आपको शायद नज़र आए तो वो भी नहीं आएंगे क्योंकि हमने लाइट लगाई हुई है, और जिन्होंने पहले इंटरव्यू किया था उन्होंने शायद लाइट यूज़ नहीं की थी, तो ये चेयर चेक कर लें, इस पर नीचे गद्दी नहीं है, इधर भी चेयर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई गद्दी नहीं है, मोबाइल फ़ोन ऑफ थे, और मेरे साथ मेरा कैमरा मैन है सिर्फ, ड्राइवर नीचे बैठा हुआ है गाड़ी में, सब कुछ वाजिया हो चुका है, और मैंने ना इनको पैसे दिए थे, इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि जो कुछ हकीकत है वो आप लोगों के सामने ले आएँ। ये सहाफत नहीं है और यूट्यूबर्स कभी सहाफ़ी नहीं बन सकेगा सिर्फ इस वजह से कि आप झूठी खबरें देते हैं और लोगों को डिप्रेशन में
घसीटते हैं और जानबूझकर हम उनको मौत की तरफ घसीट कर लाते हैं कि मर जाएं, दब जाएं और इनका केस ख़राब हो जाए। आप लोगों ने बहुत जुल्म किया। मैं इनकी सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, ना मैं दुआ ज़हरा के वालिदे मोहतरम और वालिदा के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। सबके एहसासात होते हैं, सबकी फीलिंग्स होती हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल किया करें। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं, आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। हम अगर हराम कमाना शुरू हो गए ना, हमारे बच्चे हराम खाना शुरू हो गए, तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। रहम करें इस कौम पे और इस केस को अब यहीं पे ख़त्म कर दें। सब कुछ हो चुका है, फ़ैसला हो चुका है अदालतों में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।